ऐसी बारिश में भी हम सड़कों पे उतरे हैं, अपना कारोबार बंद करके आए हैं हमारे साथी सभी, तो कुछ परेशानियां हुई हैं तभी आए हम सड़कों पे। पिछले कई सालों से थोड़ा आराम से बैठे हुए थे, लेकिन अभी थोड़े दिन से जो एमसी प्रशासन है ये कुछ ज़्यादा ही हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं। लोगों का सामान उठा के ले जा रहे हैं, वो वापिस नहीं मिल रहा है। जैसे कि एक्ट के तहत ये आता है कि कच्चा सामान अगर किसी का फ्रूट है या खाने पीने का सामान लेके जा रहे हैं वो 24 घंटे के अंदर वापिस देना पड़ता है, लेकिन कमिश्नर साहब बोल देते हैं कि हाँ ले जाओ, लेकिन जब आदमी को भेजते हैं तो इंस्पेक्टर इनका फोन नहीं उठाता और माल देने से भी सामान देने से भी मना कर देता है, और वो दो दो तीन तीन दिन बाद जाके सामान मिल रहा है। तब तक तो फ्रूट तो वैसे ही सड़ जाता है, दो तीन दिन इनके स्टोर में पड़ा हुआ, और कुछ इनके जो चूहे वगैरह वो खा जाते हैं। तो आज हम कुछ दिन पहले हमारे लोगों को आजकल ये कोई हेरिटेज के नाम पे परेशान किया जा रहा है, पिछले जब 25 साल पहले लोग बैठे हैं तो तब इनको क्यों नहीं उठाया गया, आज हेरिटेज के नाम पे बोल रहे कि हम इनको उजाड़ देंगे, सड़कों से उठा देंगे, शहर में रहने देंगे, बाटों में भेजेंगे। तो बाटों की कैपेसिटी के हिसाब से अगर शहर में बाजारों में ही रहेंगे तैबजारी, अब कोई बोलेगा कि अनाडेल चल जाएंगे, अनाडेल तो जाएंगे नहीं हमारे लोग, रहेंगे तो तैबजारी कानून के हिसाब से बाजारों के अंदर ही रहेंगे, लेकिन ये कमिश्नर साहब बोल रहे हैं कि मैं बाजारों में नहीं रहने दूंगा। तो ये बड़ा बिल्कुल ही अपना तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं, तो उसके विरोध में इनके खिलाफ आज हम इकट्ठे हुए हैं। अगर ऐसा ही रवैया रहा तो अभी तो हम वो लोग ही आए जो वेंडिंग कार्ड वाले हैं, उसके बाद अगर ऐसा रहा तो हम परिवार समेत धरना देंगे और एमसी को हम सब चुकाएंगे। और कितने तहबजारियों के यहाँ पर कार्ड बने हुए हैं? कार्ड लगभग 1065 जो है इनके पास वो है, लिस्ट है जिनको कार्ड बने, लेकिन दिए जो इन्होंने 735 लोगों के करीब कार्ड दिए इन्होंने, बाकी कार्ड बन चुके हैं, कार्ड दे नहीं रहे हैं। लेकिन हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो नौ जिन पे हमने ऑब्जेक्शन करा कि ये दुकानदार है इसका कार्ड नहीं बनेगा, लेकिन आज हम देख रहे हैं अभी सर्वे के लिए जा रहे थे बैंड की जोन चिन्हित करने के लिए ज्वाइंट कमिश्नर, लेकिन हम देख रहे हैं कि उन बंदों के हाथ में कार्ड है और ये तो धांधली चली हुई एमसी में, हमारे को समझ से बाहर है कि दुकानदारों के कार्ड कैसे बन जा रहे हैं। और मैंने एक नहीं अनेक दुकानदार देखे जिनके यहाँ वेंडिंग कार्ड बने हुए हैं, वेंडर कार्ड की, जबकि वेंडर को चाहिए जिसके पास कोई साधन नहीं है, सड़क पे बैठ के अपने रोजी रोटी कमा रहा है, लेकिन ये कॉरपोरेशन के अंदर क्या चल रहा है हमारे समझ से बाहर है, जबकि टीबीसी का गठन हुआ है उसके बावजूद भी लोगों के कार्ड बन रहे हैं, लेकिन जो वेंडर है उसका कार्ड नहीं बन रहा है।